विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही क्षेत्रामध्ये यशस्वी होण्यासाठी आत्मविश्वास बाळगून कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीनं काम करण्याची आवश्यकता आहे. वाढत्या स्पर्धेच्या युगामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेत त्याचा वापर करणे ही काळाची गरजही बनलेली आहे, असे मत विजनरी आर्टिस्ट, पब्लिकेशन डिझायनर, एडिटर अँड डिझाईन थिंकर कमल जैन यांनी व्यक्त केले. विमाननगर या ठिकाणी असलेल्या सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन या ठिकाणी डिझाईन ब्रँडिंग विषयावरील छाप हा राष्ट्रीय स्तरावरील सेमिनार आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये कमल जैन यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनच्या संचालिका डॉक्टर संजीवनी अयाचित, कम्युनिकेशन डिझाईन विभागाचे प्रमुख डॉक्टर मनोहर देसाई, प्राध्यापक तन्मय कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. यावेळी जगभरातील नामांकित वर्तमानपत्र, मॅगझिन यांच्या काही आकर्षक डिझाईन, पोस्टर्स व कंपन्यांचे लोगो यांचेही प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. हे प्रदर्शन पाहण्याचा व माहिती जाणून घेण्याचा विद्यार्थ्यांनी आनंदही लुटला. थँक्यू प्रभात. आनंद बाबू और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. प्रभात में भी मेरा एक योगदान आप लोगों के साथ रहा है. ये फर्स्ट टाइम है मैं सिम्बायोसिस पुणे आया हूँ, और सबसे बड़ी बात ये दिख रही है कि बच्चे आज पूरा डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं. कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी बात है चीज़ों को समझना, चीज़ों को मार्केट में लाने की कोशिश में, मार्केटिंग के चीज़ों को, अपने आप को रखने के तरीके को, सभी चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत सुंदर सेमिनार मनोहर जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है और कुलकर्णी सर ने ऑर्गेनाइज़ किया है. और ये शायद उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी सेमिनार वर्क होगा इस तरह का देखने को किसी एक एक्सपर्ट के द्वारा, जैसे मेरे द्वारा. अभी जो काम में लेके आज आया हूँ, ये 2016 का एक न्यूज़पेपर है, सन्मार्ग कलकत्ता का पेपर है, टफ पेपर है. 2 रुपये में पेपर कैसे बिकता है और कितनी 600-800 लोग कैसे काम करते हैं, कैसे प्रिंट होता है, कैसे मार्केट में जाता है, पूरी जो प्रक्रिया है अखबार की, उस प्रक्रिया पे बच्चों के साथ में मैं शेयर करूँगा अपने बहुत सारे पॉइंट्स जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. और मुझे लगता है कि बच्चे, अपने देश के बच्चे दुनिया के सबसे खूबसूरत और अच्छे बच्चे हैं, ऐसा मतलब मैं बचपन से जो देखता आ रहा हूँ. और उनमें ग्रैप करने की क्षमता बहुत सुंदर है, खाली है कि उनको जितना हार्ड वर्क करना चाहिए उतना वो नहीं करते हैं. आज भी मैं सुबह 5 बजे तक काम करता हूँ, तो बच्चों को हार्ड वर्क करना. दूसरा, यहाँ मैंने देखा एप्लीकेशंस पे कमांड होना. अगर मैं बच्चों से फोटोशॉप के लिए बात करूँ, इन डिज़ाइन की बात करूँ, कॉर्क एक्सप्रेस की बात करूँ, या मैं और भी एप्लीकेशंस की बात करूँ, इलस्ट्रेटर की बात करूँ, तो बच्चे कितने डीप में जाके काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन को हाथ से कितना कंट्रोल कर रखे हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा उनके फ्यूचर में जाने के लिए. क्योंकि अगर आप आर्किटेक्चर में जाएंगे, फोटोग्राफी में जाएंगे, फिल्म में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको इन सभी चीज़ों की फुल फ्लेज दरकार पड़ेगी. और आप कॉलेज लाइफ में जितना अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, लाइब्रेरी से, रिसोर्स से, रिसर्च से, उतना पावरफुल बनाना चाहिए. मैंने देखा बच्चों का भी एग्ज़ाम तो नहीं लिया मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत क्षेत्र में बहुत पुअर हैं, जो उनको स्ट्रॉन्ग होने के लिए उनको खुद को ही जो है लगना पड़ेगा. टीचर जो है वो एक बेसिक बता देंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए खुद को ही लगना पड़ेगा, तब आप दुनिया में एकदम आगे बढ़ सकते हैं. और सभी क्षेत्र में, अगर टाइप डिज़ाइन करना है, अगर पब्लिकेशन में जाना है, प्रिंटिंग में जाना है, आज के दिन बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो गई. अभी दुबई में मैंने देखा 3D में बहुत सुंदर काम उन लोगों ने पेंटिंग में करने लग गए, डिजिटल में करने लगे, बहुत सुंदर. तो दुनिया को देखना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है. और मेरी सभी बच्चों को शुभेच्छा है. खूब बारीकी से जब भी कोई भी सेमिनार सर लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और सीनियर मोस्ट लोग आते हैं, तो उनको खूब बारीकी से समझने की कोशिश करना चाहिए. इतना ईजी नहीं है समझना किसी को, ये 50-60 साल का काम है एक व्यक्ति के द्वारा. देश में बदलाव, डिजिटल बदलाव लाने का पूरा श्रेय जो है इस पोर्टफोलियो में है. अभी जैसे कॉर्क एक्सप्रेस 3.2 जब बनता था, उसके एग्जाम्पल से यहाँ लोकसत्ता का पेपर है, कुछ पेपर्स हैं जो हाथ से बनाए गए हैं, लेकिन आज भी अगर आप स्टील का स्केल रखें तो आपको अलाइनमेंट पूरा बराबर मिलेगा. जो लॉक टू ग्रिड सिस्टम जो बोला जाता है,
जो इन डिज़ाइन में कॉर्क एक्सरेस में है, जो फोटोशॉप में नहीं होता है, कोरल में नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों को समझना और किस एप्लीकेशन से कौन सी चीज़ें बनेंगी। अभी अमेरिका मेरे प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा है कॉर्क एक्सप्रेस वाले कि 3.2 से लेके ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 13 कॉर्क में बना हुआ है, तो 3.2 से 13 तक में जो डेवलपमेंट हुआ है कॉर्क एक्सप्रेस में वो मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहा है और ये अमेरिकन लोगों ने उसको डेवलप किया। अगर वो डेवलप नहीं करते तो उनका प्रोडक्ट बाज़ार में बिकता नहीं, लेकिन इन डिज़ाइन ने उसको खा लिया। तो क्या कारण है, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या क्या नहीं है, तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर चीज़ों पे, फिलॉसफी ऑफ आर्ट पे, थॉट प्रोसेस पे, नई सोच पे, हर चीज़ों पे बहुत बारीकी से चलना चाहिए, तो हम वर्ल्ड में आगे चले जाएंगे।